ये आवाज़ें हैं किसानों की, बिजली उपभोक्ताओं की और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की, जो कल सवेरे से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं नजीबाबाद के आदर्श नगर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर अपनी मांगों को लेकर, बिजली विभाग में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर, जेई और लाइनमैनों की मनमर्जी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि कल सवेरे 10 बजे से भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय नेता बाबूराम तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विद्युत कर्मचारियों की भारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं के साथ में हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। जनरल उपभोक्ता थे, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया जी। तो वो किया या नहीं किया, इन्होंने आश्वासन देकर टाल दिया कि हम कर रहे हैं, कर लेंगे जी। आज जो जिन किसानों के, चार किसानों के ट्यूबवेल 6 महीने से नहीं चले, उनके आज भी जो है कह रहे हैं कि आप लाइन चेक की शाम के समय, जो लाइन सुबह चेक हो जाती, अब उनके ट्रांसफार्मर डैमेज। तो जब तक ट्रांसफार्मर डैमेज है कुछ भी लाइन नहीं चलेगी, जब तक धरना खत्म नहीं करेंगे हम जो आए हैं। और यहाँ जो भ्रष्टाचार के और मुद्दे हैं उस पर आपको बता दें कि ग्राम नंगला उपवन निवासी पवन कुमार और की लाइन पिछले 4 महीनों से खराब पड़ी हुई है, जिसको कई बार शिकायतों के बावजूद भी ठीक नहीं कराया गया। कल किसान यूनियन के नेता बाबूराम तोमर के नेतृत्व में बिजली घर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अपनी शिकायतों को लेकर बिजली घर आने वाले अन्य उपभोक्ताओं की भी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए धरने में शामिल हो गए, जिसके बाद कल देर शाम एसडीओ विकास कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। समाधान करवा देगा। अभी कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर डैमेज है, अभी जानकारी मिली है, एक लाइन का था तो मामला, वो लाइन जाकर सर्वे कराया गया साथ में, जो लोग बैठे हुए थे उनकी समस्या को लेकर के उनके साथ मौके पर जाकर स्थानीय वो कराया गया। उसमें एक्चुअली लाइन बाग से जा रखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था बरसात के कारण, वो बड़ी मुश्किल से भी पानी निकाला गया है। पिछले 2 दिनों के अंदर ही पानी निकला है, वो उसकी जो लाइन है उसको दुरुस्त किया गया है, तो उसकी जैसे इसकी लाइन को दुरुस्त करके ट्रायल लिया गया, तो जानकारी है कि ट्रांसफार्मर जो है वो जो है डैमेज है। तो ट्रांसफार्मर क्योंकि डैमेज है तो लाइन में चलना संभव नहीं है। तो ट्रांसफार्मर कब तक रखा जा सकता है? बात हुई हमारी ट्रांसफार्मर के लिए बिजनौर में, वो कह रहे कल तक ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, बाकी प्रयास कर रहे हैं कि उससे संभव है, उससे पहले अगर ट्रांसफार्मर वहाँ पर तैयार है तो जिससे पहले अगर हो सकता है तो वो करवा दिया जाएगा। एसडीओ के आश्वासन के बाद भी किसान समस्या का समाधान हुए बगैर धरने से उठने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक समस्याओं का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाता, धरना जारी रहेगा। किसानों ने बिजली घर में ही अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली है। आज प्रातः लगभग 11:30 बजे एसडीओ विकास कुमार एक बार फिर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों तथा उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन दिया। सभी को पहले हमारी तरफ से बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को, आप हमारे सभी उपभोक्ता हैं सभी लोग, ठीक है। दूसरा ये है कि कल भाई साहब आए थे और कुछ साथी लोग आए थे गांव से, उनकी समस्या आई थी, उनकी लाइन नहीं चल रही थी कुएं की, तो वो लाइन चलवा दी गई है। ट्रांसफार्मर उनका रात में शाम के टाइम लगभग 5:30-6 बजे के आसपास वो खराब हुआ था, उसको सुबह बदलवा कर लाइन उनकी चालू हो गई है। दूसरा ये जो समस्याएं थी, कुछ बिल से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, कल उनका निस्तारण करवा दिया गया था। अभी जो है अभी आए हैं हम भाई साहब से जो जानकारी के, तो और अगर कोई समस्याएं हैं उससे, एक तो लाइन की बताई भाई साहब ने, जो तार खराब है लाइन के, उसके बारे में बताया कि उसको लाइन के तार चेंज करवाए जाए, तो तार की व्यवस्था करवाई जा रही है, तार की व्यवस्था है, और जो उसमें कुछ कोल लगने हैं वो भी उसमें लगवा दिए जाएंगे। बाकी अगर और इससे इसके अतिरिक्त और कोई समस्या है तो आप मुझे नोट करवा दीजिए, बता दीजिए, ताकि उसका मैं निस्तारण करवा सकूँ जो मेरे स्तर से संबंधित है। धन्यवाद।